हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड नाइटी। मैं मनीष। मैं काजल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। एमवी को आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं। आप सोर्स करोगे, बहुत वेट था, हम इसे बहुत जल्दी रिएक्शन देना चाहते थे बट हम थोड़ा लेट हो गए। और जैसी म्यूजिक फैक्ट्री का ये गाना है आसिम और हिमांशी खुराना का, और काफी अच्छी जोड़ी चल रही है इनकी, बैक टू बैक है ना। काफी गानों में हमने देखा है इन लोगों को और बहुत अच्छा इनका हिट मिल रहा है, और लोगों को बिग बॉस के बाद से जो आसिम की फैन फॉलोइंग है वो तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। दोस्तों इससे पहले भी आसिम और हिमांशी के दो सॉन्ग आ चुके हैं, उनपे भी ऑलरेडी रिएक्शन दे चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे रिएक्शन के साथ देख सकते हैं, और वो दोनों सॉन्ग भी इनके अच्छे थे काफी। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। नजरें चुरा के मुझसे जा तो रहे हो, पर आईने से कैसे नजरें चुराओगे। जिंदा रहूंगा मैं एहसास में हरदम, दावा है मेरा तुम न मुझे भूल पाओगे। जब जिक्र हो अफसोस करोगे, अफसोस करोगे, लिख के लीजिएगा एक रोज करोगे। अफसोस करोगे, अफसोस करोगे, लिख के लीजिएगा एक रोज करोगे। हम ना पहुंच पाए तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। और वहां तुम क्या करोगे? तुम्हारा इंतजार। अफसोस करोगे, अफसोस करोगे, लिख के लीजिएगा एक रोज करोगे। अफसोस करोगे, अफसोस करोगे, लिख के लीजिए। पार्ट होगा ये कोई अमेजिंग बात नहीं है, हमेशा बहुत सारी वीडियो में देखने के लिए मिलता है एंड कुछ ऐसा ही होता है। और यार लिरिक्स में ही था अफसोस करोगे, जब तुमने तब नहीं संभाला उस रिश्ते को
या तब तुम साथ नहीं आ पाए किसी कारण, तो बाद में तो अफसोस करोगे ना। अबे लॉजिक नहीं था, मतलब पहले तो समझ में आ रहा था, पहले तो मुझे लगा वो टीचर टीचर है, बाद में समझ में स्कूल का शायद गेट टुगेदर था, है ना। अरे वीडियो की कोरियोग्राफी भी क्यों जा रहा ना, लिरिक्स तो सोचो ना, लिरिक्स क्या थी इसकी। पहले मुझे तो टीचर से लग रहा था तो है ना, बहुत सही है, लेकिन है ना, हां पहले मुझे भी लगा कुछ टीचर्स से स्कूल का सीन है। हां स्कूल मुझे लग रहा वो टीचर है और वो आया है उसका बच्चा बच्चा है, पहले मुझे ऐसी स्टोरी लगी, लेकिन बाद में समझ आया वो कॉलेज का शायद गेट टुगेदर में मिल रहे हैं सब, और फिर मतलब उनकी वही वो अपने पुराने टाइम याद करते हैं, वो बड़ा सही लग रहा था, बड़ा एंजॉय करी थी मैं शुरुआत को ना, बट एंड जो हुआ ना वो थोड़ा सा मजा नहीं आया। बट काजल मैं आपकी स्टोरी से एग्री कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं सब कुछ सही चला था, बट बच्चा उसके साथ घूम रहा, बच्चा फिर किसी और के पास चला जाता है, वो क्या मतलब जाता होगा ना, नहीं हो सकता है ना, सिर्फ किसी हो सकता है, हम सब गए गेट टुगेदर में, हो सकता है किसने शादी कर ली, उसका बच्चा लेके मैं ध्यान रख रहा हूँ, अब उसने पूछा तो है नहीं आगे, एटलीस्ट एक बार पूछ तो लेती किसका बच्चा है, वैसे शुरू हो गई। अफसोस वो तो यार मैं काफी टाइम बाद देख रही हूँ, ना कि ऑब्वियसली इसका बच्चा है, लेकिन यार मुझे इस चीज समझ नहीं आ रही है, पूरा कॉलेज इतना वो है, ठीक है तुम आपस में बात भी नहीं कर रहे, देखना भी अब पसंद नहीं कर रहे हो, तो यार एक ही साथ तो आपके घूम रहे हो पर। गाना बहुत सही था, स्लो था, सैड था थोड़ा सा, बट गाना भी मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी ना इन दोनों का लुक इतना अमेजिंग था, खासकर जब उसके बाल आसिम के बाल और हाईनेक पहना था, उसके ऊपर कोट पहना हुआ है यार, मतलब आसिम मतलब ओवरऑल पूरी थ्रू आउट द वीडियो में अच्छे लग रहे थे, साथ ही साथ मुझे तो हिमांशी भी काफी अच्छी लगी, और अगर इससे अभी हम बात करते हैं ना, थोड़ी सी चीजें हल्की फुल्की सी इधर उधर लगी हैं, कि जैसे एंड में भी फिर भी वो मुंह चढ़ा के चली गई, वो मुझे बड़ा खराब लगा था यार, मतलब तुम्हें पता चल गया बच्चा होकर फिर तो एटलीस्ट बात तो करो, फिर भी मुंह चढ़ा के भाग रही हो, वो समझ नहीं आया। ये तो यार इंडियन म्यूजिक का कुछ है, खासकर जैसी म्यूजिक फैक्ट्री में कुछ चीजें ऐसे कनेक्ट नहीं होती, नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल सॉन्ग है ना बहुत अच्छा लगा, डीप था थोड़ा, अफसोस करोगे अगर नहीं देखोगे, और लाइक नहीं किया तो ज्यादा करोगे, तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को, और अगर डीप अगर तुमने ट्रेंड में देखा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।